दुकान की तरफ चलते हैं, देखते कि वहाँ पे क्या देखने को हमें मिलेगा, स्टे कर पाएंगे हम वहाँ के, हमें वापस दावर आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ का क्या सीन है, आपके तो पेज डीले होते ही है, साथ साथ आपकी मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ी के भी होते, पर इसी का तो मजा है, एडवेंचर असली यही है। सही है यार, स्टे मिल जाएगा, स्टे स्टे मिलेगा, बोला बड़ूगा में भी स्टे है, बड़ूआ में भी स्टे है, देखते चल। अस्सलाम वालेकुम, अब ठीक है, यहाँ पे स्टे मिल जाएगा कहीं पे स्टे रहने के लिए क्या, रहने के लिए रात को रहने के लिए जगह मिलेगी यहाँ कहीं, यहाँ नहीं बड़ूआब में, बड़ूआब में मिलती है। वो कितना दूर है यहाँ से? 24 किलोमीटर 24। रोड ऐसा ही है? चलिए चलो चलो, थैंक यू। अभी हम पुराना तलील में, जिसे PTL के नाम से भी जाना जाता है, अभी देखते हैं हम आगे की तरफ, अभी बढ़े ही जा रहे हैं, कहाँ पहुँचते हैं देखते हैं। रोड्स की मगर बहुत हालत ख़राब है, ये बात आप लिख के ले लो, तो जो भी आ रहा है आयोडेक्स साथ लेके आना, पर वर्थ है यार, वैसा दर्द इतनी खूबसूरत जगह के लिए वर्थ है। जिसने अपनी लाइफ में ऐसी जगह नहीं देखी, उसने कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में। उमर बहुत सारा डिस्कशन कर रहा है लोकलों के साथ, मुझे लगता है उमर को यहाँ का DDC कैंडिडेट उठना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, तालियां भी बजा रहे। शाबाश उमर, करते रहो, इनसे भी मसला पूछ रहे उमर। आई एम जस्ट किडिंग यार, होता ना कोई क्यूरियस, वैसे भी हम उमर को क्यूरियस उमर बुलाते ही है, क्योंकि इसको हर चीज़ जानने का शौक है, इसलिए हमने इसका नाम ही क्यूरियस उमर रखा है। सो गाइज, अभी हम बड़ूगाम में आ गए हैं, हमारा प्लान नहीं आज जाने का, वैसे तो प्लान था जाने का घर, पर अचानक से प्लान बन गया कि हम अब नहीं जा रहे हैं, हम अभी गवर्नमेंट रेस्ट हाउस बड़ूगाम में रुके हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही सही जगह है। अभी देखते हैं कि क्या सीन रहता है। आप मेरे पीछे पहाड़ियाँ देख सकते हैं, अभी उमर फिर से क्यूरियस हो रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, और इसके बाद उमर बताएगा कि क्या। वी आर स्टेइंग एट अ लोकल प्लेस, वी आर गोइंग टू हैव द सपर देयर, राइट, एंड ट्राई टू सी हाउ दे लिव एंड देयर कल्चर, सो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली उमर, तो यहाँ से चलते हैं अभी, और मैं आपको यहाँ का आसपास का भी दिखाता हूँ कि पाथवे कैसा है, यहाँ से रोड कैसा जाता है, क्योंकि छोटा मोटा सा आप विलेज कह सकते हैं, एक है, फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सारी है, मगर वैसी नहीं जैसी टाउन में होती। तो यहाँ से चलते हैं और मैं आपको आगे के सीन दिखाता हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है। अभी मैं यहाँ के जो बड़ूगाम के विलेज से गुजर रहा हूँ, आपको मस्त, एक बार आप यहाँ जरूर आइए और यहाँ की ब्यूटी एंजॉय कीजिए, खासतौर पे यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप दावर के बजाय बड़ूगाम में आके रुके, आप यहाँ पे लोकल स्टे भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। तो इस विलेज को एक्सप्लोर करते हुए हमने यहाँ का सबसे पुराना मकान ढूंढ लिया, लगभग 60 साल पुराना मकान है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सेट। सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स ओल्ड ये वाला, सामने वाला मकान, ये वाला
बहुत ही खूबसूरत है। इसके बनावट से ही लग रहा है कि ये बहुत पुराना मकान है। उमर, हाउ योर एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी गुड। यू वोंट फाइंड मच डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर एंड द अदर स्ट्रक्चर, बिकॉज इफ यू इवन सी द किचन गार्डन, इट्स द सेम एग्जैक्टली दिस हाउसेस एज वेल एज द न्यू काइंड ऑफ हाउसेस देयर। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट दिस इज 60 इयर्स ओल्ड, 60 टू 70 इयर्स ओल्ड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव टू मूव फ्रॉम दैट साइड। लेट्स गो। ब्यूटीफुल कल्चर अप हियर। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम एक ज़ियारत पे जा रहे हैं। यहाँ की लोकल विलेज की है, हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो वहाँ ऊपर है वो ज़ियारत और नीचे वो गांव है। अभी ऊपर चलते हैं। सो ये है यहाँ की ज़ियारत। ऊपर यहाँ मैंने सुना यहाँ का जो पीर बाबा है हमारे गांव में आस्थान बना है। हाँ ऊपर जो यहाँ मैंने सुना बुजुर्गों से कहा ये 7 दिन वहाँ ठहरा है। ठीक, टोटल 7 दिन गुरेज से आया है या यहाँ से पाकिस्तान से आया है, 7 दिन वहाँ ठहरा है। 7 दिन ठहरने के बाद वहाँ से हिजरत की है उसने गुरेज की तरफ। हाँ मैंने सुना ये पीर बाबा का शायद वो अकीर था जो यहाँ से फिर 7 दिन के बाद एक हफ्ते में एक हफ्ता रहा, एक हफ्ते के बाद आगे चला गया वहाँ। इसलिए वहाँ हमने पूरा गोल करके हमारे बुजुर्गों ने उस जगह को साफ सुथरा रखा है। कोई बच्चा अंदर नहीं जाएगा, कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कश्मीरी हाँ दर्द कश्मीरी का मादरी मादरी मतलब मदर है हमारा दर्द शीना। What he actually means is that it has the influence on Kashmiri language as well. Obviously. Yeah. So, तो आप बोल रहे थे कि आप अपनी तारीख के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं, आपकी हिस्ट्री के बारे में? नहीं, तारीख के बारे में तो उतना हम जानते नहीं है उतने, वो तो पुराने बुजुर्गों से जानना पड़ेगा सर आपको। कहाँ कहाँ सुना कुछ याद हो आपको अगर? वो तो यही जो किताबों में पढ़ा हमने वो थोड़ा बहुत टिटबिट्स याद है और कुछ नहीं सर। जी, उतनी ब्रीफली हमें पता नहीं जी, क्योंकि जो शीना लैंग्वेज हमें मिलती है ना पाकिस्तान में भी मिलती है। वो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान पूरा साइड पाकिस्तान का शीना जबान का है, चिलेल पूरा है, इवन हमारे द्रास में भी शीना करती है। लद्दाख के जो द्रास में है डिस्ट्रिक्ट करगिल के एक थाना है वो भी एक तहसील है वहाँ शीना करती है वो भी शीना, ये पूरा एरिया। एक चीज मैंने यहाँ नोटिस की, यहाँ मैक्सिमम जो कास्ट है वो लोन है। लोन लोन ऐसा ऐसा लोन कास्ट ज्यादा है। इसकी कोई खास वजह? यहाँ पहले पहले ये तो एक्चुअली पहाड़ी एरिया है, कोई आगे बेटा होगा उसी फैमिली से, उसी फैमिली से सारे फैलता गया वो होता लोन होगा, इस वजह से ये मतलब फैलता गया ये लोन लोन है लोन। अच्छा आपको ये नहीं पता है कि शीना लोग इस्लाम से पहले कौन सा मजहब पालते थे? बुद्धिज्म सर, बुद्धिज्म क्लियर कट। हाँ बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ उसका मतलब पुरानी चीजें मिलती है बुद्धिज्म के रिलेटेड? अभी यहाँ के ऐसा कुछ सब खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है सब। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बुद्धिज्म का कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सुना यहाँ जीरा निकलता है। जीरा वो पहाड़ों पे निकलता है कुदरती, हम डालते नहीं बीजने का। वो बर्दाश्त किसी को लेना होगा वो ग्रेस से ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। आपको शायद पता मत होगी ये लोग यहाँ से तो किशन गंगा बोलते हैं। ये नीलम का नाम नीलम क्यों पड़ा है, इसका कोई खास वजह है? ये नीलम जो है ना वो पहाड़ उस तरफ वहाँ ये दरिया जो आता है वो नीलम पहाड़ से ही होके, नीलम पहाड़ से आता है। बिल्कुल कि इसके रंग वंग की वजह से कोई खास पाकिस्तान से होके आता है तब इसका नाम पड़ा नीलम। सोर्स इसका यहाँ से कि ये पाकिस्तान से निकलता है, वो आता है ना वहाँ से बड़ो आप जब जाओ बड़ो आप से समझ जाओगे कि वहाँ से निकलता है। फिर शायद यहाँ तारबल में ही पाकिस्तान से फिर पाकिस्तान घुसता है और फिर निकलता कहाँ वहाँ बाहर ताबट गांव है। ताबट तारबल के उस साइड में, जिस तरह हमारा बड़ो गांव। हाँ ताबट उस साइड में, ताबट में ये दरिया निकलता है वहाँ।